करना सही नहीं। कोई भी अगर आप यूज कर रहे हैं उसके आयल एक्सट्रैक्शन के बाद आप उसके अवशेष को फेंक दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, उसको ऐसा नहीं करना है। आपको उसको आयल अवशेष जो भी अवशेष आता है उसको जो है सुखा लेना है, उसको कट कर ये चीज बनाई जाती है। इसका बहुत सारा फायदा है, जैसे आप अपने पत्ती निकल नहीं पत्ती नहीं जो आप किसी भी बायोमास से उसको बना सकते हैं, लकड़ी से भी पत्तियों से भी आप सबसे बना सकते हैं। ये तरीका आपको यहाँ पे जब बनाया जाएगा तब आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी रिलीज होने के बाद हम इसका तरीका बताएंगे कि कैसे आप बनाएंगे। नहीं तो अगर आप मोबाइल नंबर डिटेल आप यहाँ पे नोट करा दीजिए, आपके गांव साइड में आपके शहर में इसको हमारी यूनिट आएगी फ्री ऑफ कास्ट, आपको कोई चार्ज नहीं देना, वहाँ पे बना के दिखाया जाएगा उपयोग की सारी विधि बनाई जाएगी। फिर ये आपका जैसे आपने खेत में इसको डाला या फिर आप इसको छोटे स्केल पे चाहें तो पॉट में किसी छोटे में अगर उसमें जो है मिट्टी के साथ मिला के चार मिला लीजिए, जिससे 100 ग्राम आपकी मिट्टी है उसमें जो है 4 ग्राम इसको डाल दीजिए, आप आगे बढ़ाएंगे इसमें 5 kg जो भी आप मिट्टी ले रहे हैं उसे मिला के इसमें लगा दीजिए। ये आपको जल अवधारण की क्षमता मिट्टी की बनाए रखेगा। न्यूट्रिएंट जैसे आप एनपीके डीएपी डाल रहे हैं कोई भी चीज डाल रहे हैं उसकी ग्रोथ और में उसमें आपको कम डालना पड़ेगा। जैसे आप हेक्टेयर की बात कर लेंगे, एक हेक्टेयर में आपको 40-50 kg पर हेक्टेयर डालना है, इसको डालने पर आपको 20-30 ही डालना है, ज्यादा भी नहीं डालना पड़ेगा। और इसके साथ मिलाने से आपको मिलेगा कम हो जाएगी। अगर आपकी मिट्टी में हवा मिट्टी ज्यादा है मतलब जैसे कि ज्यादा है, आप अगर विधि जानना चाहते हैं तो आपका नाम और पता फोन नंबर डाल दीजिए, हम संपर्क करके आपके खेत में आके हम लोग बता देंगे। बिक्री के लिए भी नहीं, अभी सेल के लिए नहीं, अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलीज हो जाएगी उसके बाद आपको पूरी डिटेल जानकारी कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें बनाएंगे बताने के लिए। आप बनाना चाहते हैं इसका क्या है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका विधि के लिए जानकारी के लिए आप आपका नाम पता डाल लीजिए, नंबर हम लोग आपको बता देंगे विधि कैसे। और ये डालने के बाद आपने ये इसके अंदर आप देखिए हम लोग ने फील्ड ये जेरेनियम का है तो ये पहले था, उसके बाद जब इसको मिला के हम लोग ने किया तब हम लोग को ये मिला। आपको ये नहीं है कि सिर्फ आपको प्लांट एक बहुत ज्यादा पौधे मिलेंगे, ये नहीं, आपको ऑयल कंटेंट भी ज्यादा है। आप चाहें तो पहले गमले में भी ट्राई करके देख लीजिए, तो उसके साथ लगा लीजिए गमले में या फिर आपके फील्ड पे जैसे भी आप करना चाहें। आपका नंबर आप नाम मोबाइल नंबर अपना ऐड कर लीजिए, बनाने टेक्नोलॉजी आपको बेसिक यहाँ पे दिया जाएगा, आप फोन कर लीजिए इकट्ठा हो जाएंगे, ये हम लोग बना के दिखाएंगे उपयोग विधि बताएंगे ये इसका प्रोसेस है। डिस्टिलेशन वेस्ट से हम लोग इसको बना रहे हैं सीड मृदा शक्ति, जो सॉइल अमेंडमेंट सॉइल फर्टिलाइजर भी है, प्लस आपको जो कंटामिनेशन जो है मेटल का कंटामिनेशन जो है उसको भी कम करने के लिए ये जो आपका खुद का ये मेटल या कुछ भी है उसके एक्यूमुलेशन को भी प्रिवेंट करता है, पौधों में ऑब्जर्व नहीं होने देगा ये अपने सरफेस पे ही, इसको अपने सरफेस पे ही जब इसको मिला के हम लोग निकले तो इसमें सिर्फ आपको प्लांट का प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। ये अगर आप टेक्निक जानना चाहते हैं तो हम लोग आपको फील्ड में आकर डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे आप तेल निकालने में आपका जो भी जेरेनियम है लेमन ग्रास कुछ भी है उससे आप जो है उसको ऑयल निकालने के बाद उसका जो वेस्ट बच रहा है अवशेष बच रहा है उसको आप जला देना, उसको जो है बस निकाल के उसको सुखा लेना है, सुखा के कट करके। ये कैसे बनाया जाता है इसके लिए आप नाम और अपना पता डिटेल नोट करा दीजिए, आप सीमैप में भी आके देख सकते हैं। और आपके अगर आपके जिले में आपकी जगह पे अगर सोशल वर्किंग लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं तो आपके घर पे भी आके ये चीज बना के और उसकी विधि को बताई जाएगी। इसको खेत में डालने से 10-15 kg पर हेक्टेयर यूज कीजिए, या गमले में 4% अगर 5 kg मिट्टी ले रहे हैं 4-6% उसको वेट करके मिट्टी में मिला के आप उसे पौधे लगाइए, उसमें बार बार उसमें सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, उसमें जो है जल उधारण क्षमता को भी बढ़ाएगा, ठीक है। और फिर अगर आपको जो भी न्यूट्रिएंट या फिर जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं हम ये नहीं करें नहीं यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 40-50 kg पर हेक्टेयर यूज करें तो 20-30 यूज करेंगे उससे अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और यही सबसे बड़ा फायदा इसका है, एक के बाद दूसरे उसके बाद तीसरी क्रॉप तक ये बहुत धीरे धीरे चीजों को छोड़ता है। ये नहीं आपने जैसे डीएपी या यूरिया डाला आप सस्टेन आप देखेंगे आगे आएंगे तीसरे दिन चौथे दिन आपका फसल सहारा होना शुरू हो जाएगा। एक बार डाला धीरे धीरे आपको जो है वो देता रहेगा। ये नहीं कि एक ही बार बस रिलीज नहीं होगा कि आप जैसे एनपीके जैसे यूरिया खेत में यूज करें चौथे दिन हरा हो गया, ऐसा नहीं है। उसके भी इससे बहुत सारे फायदे हैं, इसको कैसे बनाना है और फिर आप यहाँ भी आके देख सकते हैं, आपके गांव साइड में भी आपके शहर में जहाँ भी आपका घर है वहाँ पे आपको बना के दिखाया जाएगा।
फ्री आप कास्ट, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आप इसका डिटेल के लिए वो ले लीजिए और यहाँ पे अपना नाम और जिले का नाम और नंबर ले लीजिए। आपके जो है सॉइल खराब होने से आपको ना कैल्शियम उसका भी जो है नुकसान होता है। इससे आपको ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पूरा प्योर ऑर्गेनिक है। एक आप ब्रोसर ले लीजिए।